2018 की अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होने जा रही है। अब आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कहीं पवन, खेसारी और निरहुआ तीनों की फिल्म एक दिन तो नहीं रिलीज हो रही है। अरे नहीं, ये तो आम बात हो गई है कि किसी न किसी सुपरस्टार की फिल्म किसी न किसी सुपरस्टार की फिल्म से क्लैश होती है और उस पे हम खबरें बनाते हैं। लेकिन इस बार जो होने वाला है भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा धमाका, यानी कि आप कह सकते हैं कि सावन में पूरी तरह से आग लगने वाली है। आग, वो भी आग जो लगेगी वो दिलों में लगेगी और वो दिल टूटने वाली आग लगेगी। जी हाँ, अभी भी अगर आप नहीं समझे तो मैं ये कहूंगी, आगे मैं आपको समझाने के लिए तैयार हूँ। तो सुनिए कि क्या है माजरा और मैं क्यों आपको गोल 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 घुमा रही हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि हर साल की तरह इस बार भी सावन के मौके पे पवन, खेसारी और निरहुआ तीनों सावन का एल्बम लेकर आने वाले हैं। अब आप कहेंगे इसमें क्या खास है? इसमें खास ये है, ये तीनों सुपरस्टार ये एल्बम ला तो रहे हैं, इस बार इन तीनों को टक्कर देने अकेली अक्षरा सिंह आ रही है। जी हाँ, अक्षरा सिंह ने अपने सावन के एल्बम की रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर ली है, जो कि अब तक पवन, खेसारी और निरहुआ तीनों ने अभी तक अपने सावन की एल्बम की रिकॉर्डिंग शुरू ही नहीं की है। खैर, लेकिन इसमें खेसारी और निरहुआ को अगर आप साइड हटा दें, तो ये सीधे सीधे लड़ाई पवन और अक्षरा की है, क्योंकि हर बार अक्षरा पवन के साथ सावन का एल्बम में कोई न कोई गीत गाती थी और उनके साथ ही वो एल्बम निकालती थी। लेकिन इस बार पवन सेपरेट और अक्षरा खुद सेपरेटली अपना एल्बम निकाल रही है और अक्षरा सिंह का इस एल्बम में पूरी तरह साथ रितेश पांडे दे रहे हैं। जी हाँ, हर बार अक्षरा पवन के साथ रहती थी, इस बार वो सावन का एल्बम रितेश पांडे के साथ मिलकर निकाल रही है। ऐसे में पवन और अक्षरा के फैंस के लिए ये खुशी की बात जरूर है, लेकिन इन दोनों की फैन फॉलोइंग बढ़ती नजर जरूर आएगी। जहाँ कुछ लोग पवन को सपोर्ट करेंगे तो वहीं अक्षरा के फैंस अक्षरा को सपोर्ट करेंगे। नहीं तो हर बार पवन अक्षरा एक रहते थे तो इनकी फैन फॉलोइंग भी इन दोनों को एकजुट होकर सपोर्ट करती थी। तो अब हमारी ये न्यूज सुन के आपको लगा ना कि इस साल सावन में जरूर आग लगेगी। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।